इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं गाइस एक गेमिंग हेडफोन गाइस जो कि रेड गियर का है गाइस जो कि आप देख सकते हो एंड इसके अंदर आपको पूरा अनबॉक्सिंग एंड पूरा ओवरव्यू इसकी साउंड क्वालिटी कैसे है इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसे है सब कुछ बताने वाला हूं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें एंड वीडियो को शुरू करते हैं गाइस बिना किसी देरी के साथ। एयरफोन को आप खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट या अमेजोन से जो कि आपको 800 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा गाइस एंड इसकी प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है गाइस कभी ना कभी अभी ऑफर्स लगाएंगे तो इसको कम प्राइस में भी आप खरीद सकते हो। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस सिंपली आपको डब्बा मिल जाएगा। डब्बा के अंदर आपको जैसे कट करते हो आपको गेमिंग हेडफोन देखने को मिलेगा एंड इसके अंदर आपको अच्छी बात मिलेगा गाइस जो कि इसके अंदर कोई भी मैनुअल नहीं है जो कि कुछ यूज नहीं है गाइस कोई पड़ता नहीं है उसके लिए। तो अच्छी तरीके से रेड गेयर ने काम किया ये तो बॉक्स के साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद सिंपली आपको गेमिंग हेडफोन देखने को मिलेगा एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो गाइस ये बहुत ही हल्का आपको देखने को मिलेगा। आपको साइड की तरफ एक प्लास्टिक मिल देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही हल्का है एंड ऊपर की तरफ आपको मेटल स्ट्रिप जो कि मेटल का बना हुआ दिखेगा एंड आपको एक एडजस्टेबल लेदर बैंड मिलेगा जिससे कि आपका हेड के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। एंड इसकी सॉफ्ट कुशन के बारे में बात करूँ तो गाइस आप बहुत ही लॉन्ग टाइम तक इसे पहन के रख सकते हो इतना ज़्यादा आपको कान दुखेगा नहीं गाइस। सो गाइस इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी गाइस नॉर्मल है। मैं इतना ज़्यादा हाई भी नहीं बोलूँगा इतना ज़्यादा लो भी नहीं बोलूँगा। इस बजट के हिसाब से ये अपने साउंड क्वालिटी में बेस्ट है गाइस। इसकी बेस के अंदर बात करूँ तो गाइस बेस इतना ज़्यादा नहीं है स्टैंडर्ड आपको देखने को मिल जाएगा एंड ट्रबल भी इतना ज़्यादा अभी नहीं है स्टैंडर्ड है गाइस इतना हाई एंड भी नहीं है इतना लो एंड भी नहीं है बेस्ट है गाइस मेरे तरफ से। तो ये बेस्ट साउंड क्वालिटी देता है जिससे कि आप साउंड मीडिया प्लेयर एंड मल्टीमीडिया आराम से कर सकते हो। एंड इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करो तो गाइस गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया है गाइस। इसके अंदर मैंने खुद दो हफ्तों से खेल रहा हूँ पबजी या COD ये दो गेम खेल रहा हूँ मुझे बहुत ही बढ़िया लगा गाइस। जो कि सराउंडिंग साउंड है बहुत ही अच्छे से सुनाई देता है बस एक कमी है गाइस जो कि इसकी स्टेप काउंटिंग थोड़ा इतना एक्यूरेट नहीं देता गाइस बट ये देता है इतना तो देता है कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये इतना बढ़िया काम कर रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं इसकी माइक क्वालिटी कैसी है। माइक क्वालिटी आपको मैं खुद अपने मोबाइल माइक क्वालिटी की बात करें तो गाइस जैसे कि मैंने बोया M1 माइक की जो कि माइक है जो उससे मैंने निकाल दिया गाइस आप जो भी आवाज़ सुन रहे हो इस माइक के थ्रू सुन रहे हो जो कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है आप सुन सकते हो एंड इसको मैं कुछ भी एडिट नहीं करने वाला कुछ भी डायरेक्ट ही ऐसे डालने वाला हूँ जो कि आप पहचान सकते हो कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है एंड गेमिंग के अंदर आप दूसरे के अंदर कैसे बात करते हो उसकी गेमिंग साउंड कैसी जा रही है आपकी आवाज़ उसके मोबाइल के अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं फाइनल डिसीजन के ऊपर। सो आपको ये गेमिंग हेडफोन लेना चाहिए कि नहीं सिंपली एक ही रीज़न है गाइस अगर आपका बजट 1000 रुपीज़ से कम है तो मैं गो थ्रू बोलूँगा गाइस आप सिंपली रेड गियर का हेडफोन ले लीजिए। अगर आपका बजट 1000 रुपीज़ से ज़्यादा है एंड अब उसके ऊपर आप गेमिंग हेडफोन खरीदना चाहते हो तो आप बेस्ट है कि दूसरा हेडफोन्स देखिए जो कि इससे भी बढ़िया तरीके से आपको गेमिंग एक्सपीरियंस दे सकते हैं। तो यही है गाइस इसकी अनबॉक्सिंग एंड इसके रिव्यू। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।